गर्मी के मौसम ने पूरा जोर पकड़ लिया है दोस्तों, और इन दिनों जो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है वो है लू लगने की, जिसे सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। सुनने में आसान लगने वाला यह शब्द हमारे लिए गंभीर समस्या भी पैदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लू लगने के कारण आदमी बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, और अगर सही समय पर उसे सारवार ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा लू लगना किसे कहते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स लक्षण इसमें हो सकते हैं, और कैसे कुछ घरेलू उपचार करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला सवाल, लू लगना किसे कहते हैं। समर सीजन में गर्मी के कारण या फिर गर्म हवा के थपेड़े लगने के कारण हमारा शरीर अपना तापमान सामान्य रखने में असफल होता है, और इस वजह से हमारे शरीर में जो भी शारीरिक या मानसिक रूप से समस्याएं पैदा होती है उसे लू लगना कहते हैं। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है, उसका यही काम होता है कि हमारे शरीर का तापमान सामान्य करके रखे, जो कि नॉर्मली 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन जब हमारे वातावरण का तापमान 43-44 डिग्री से पार हो जाता है तब हमारे शरीर को अपना तापमान सामान्य रखने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम इस कमी को पूरा नहीं कर सकते या फिर किसी और वजह से हमारी जो कूलिंग व्यवस्था प्रणाली होती है वह ठप हो जाती है और हमारे शरीर का तापमान सामान्य रखने में असफल होती है, तब हमें लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में बॉडी फ्लूइड सूखने लगता है, नमक और पानी की कमी होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, तब भी हमें लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा सवाल, किन किन लोगों को लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। जो लोग दोपहर में ज़्यादा तापमान में ज़्यादा देर तक नंगे सिर रहते हैं या फिर ज़्यादा धूप में मेहनत का काम करते हैं उसे लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। बच्चों और बूढ़ों को लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन जो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं और पानी कम पीते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग शराब पीते हैं या फिर पानी कम पीते हैं उन लोगों को भी लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर, कौन कौन से लक्षण सिम्टम्स लू लगने के कारण हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है तेज़ बुखार आना और सिरदर्द होना। जैसे कि मैंने आगे भी बताया, हमारी जो कूलिंग व्यवस्था प्रणाली होती है वह ठप हो जाती है और इसके चलते हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और हमें तेज़ बुखार आता है, जो कि 103, 104 से लेकर 105 भी हो सकता है। दूसरा लक्षण है बीपी लो हो जाना। पानी की कमी होने के कारण और बॉडी फ्लूइड सूखने के कारण हमारा बीपी लो हो जाता है और इसके चलते हमें चक्कर आ सकते हैं, तेज़ प्यास लग सकती है, बार बार मुंह सूखने लगता है और पसीना निकलना एकदम से कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना ज़्यादा निकलता है, लेकिन जब हमें लू लगती है तो पसीना निकलना एकदम से कम हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये लू लगने का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा हमारी हथेली, पैरों के तलवों और आँखों में जलन सी महसूस हो सकती है। मसल वीकनेस की वजह से हमें तेज़ दर्द और जकड़न हो सकता है, उल्टी जैसा आना या फिर उल्टी आना और दस्त भी हो सकता है। हमारी त्वचा लाल, गर्म और सूखी हो सकती है। दोस्तों, ये सभी थे लू लगने के शुरुआती लक्षण। ज़्यादा लू लगने पर हमें बेचैनी या घबराहट सा महसूस हो सकता है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने की जो हमारी रिदम गति होती है वह तेज़ हो जाती है, दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से हमें कन्फ्यूजन सा महसूस होता है, आदमी अजीब तरह का बर्ताव करने लगता है, मानसिक भ्रम हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। अगर यहाँ पर भी उस व्यक्ति को सारवार नहीं मिली तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है और आगे चल के उसकी मौत भी हो सकती है। अब आता है चौथा सवाल, कैसे लू लगने के खतरे को हम टाल सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। बाहर निकलते समय पानी पी के निकले और हो सके तो अपने साथ एक पानी की बॉटल भी रखें। फ्रीज का ठंडा पानी पीने के बजाय अगर हम मटके का नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पिए तो ज़्यादा बेहतर रहे। दोपहर को हो सके तो घर पर ही आराम करें, बाहर धूप में ना निकले।
और अगर यदि आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक छाता रखें या फिर टोपी पहने। अगर आप बंद कमरे में एसी या कूलर में बैठे हैं तो एकदम से बाहर गर्म वातावरण में ना निकले। चुस्त कपड़े ना पहने, ढीले कपड़े पहने ताकि बाहर की हवा शरीर में अंदर लगती रहे। दिन में 2 या 3 बार नहा लीजिए। शराब पीना छोड़ दिए या कम कर दे। नॉनवेज फूड हो सके तो कम कर दीजिए। चाय कॉफ़ी बंद या कम करें। तंबाकू गुटखा खाना बंद करें। तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग बार बार थूकते हैं, स्पिट करते हैं, इससे बॉडी फ्लूइड और भी कम हो जाता है। चलिए, अगर आप गुटखा नहीं बंद कर सकते तो कम से कम तंबाकू गुटखा खाने के बाद कुल्ला कर लीजिए और 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए, और हो सके तो गुटखा खाने के पहले भी आप पानी पी लीजिए। भोजन में आप सलाद, दही, छाछ का प्रयोग ज़्यादा करें और हो सके तो लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। फ्रूट में आप अनार खा सकते हैं, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, मौसम्बी, संतरा ज़्यादा लें। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर आप गन्ने का रस, नारियल पानी या फिर नींबू शरबत पिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये सभी तो थे प्रिवेंटिव मेजर, कैसे लू लगने के खतरे को हम टाल सकते हैं। लेकिन यदि अब किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने में समय लग रहा है तो कुछ घरेलू उपचार करके हम उसकी सहायता कर सकते हैं और लू लगने के कारण जो खतरा है उसे हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को किसी खुली जगह में, ठंडे वातावरण में या फिर एसी कमरे में ले जाइए। अगर उसने चुस्त कपड़े पहने उसे तो ढीला कर दीजिए। कॉटन के कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर तुरंत स्पंजिंग चालू कर दीजिए। हाथों, पैरों, छाती पे, पेट पे और गले पे स्पंजिंग चालू रखें। कॉटन के एक कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर सिर पे उसकी पट्टी रख दीजिए। ऐसा करने से शरीर का जो तापमान है वो कम होगा और लू के कारण जो खतरा है वो हम कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार की। प्याज को लू लगने पर भी और लू ना लगे इसके लिए भी बहुत ही गुणकारी माना जाता है। लू लगने पर प्याज के एक टुकड़े को पानी में डाल के मिक्सचर में पीस लीजिए और इसे छलनी की सहायता से छान लीजिए। प्याज के इस रस को छाती पे, कंठपट्टी पे और हाथों और पैरों के तलवों पर घिसने से वह शरीर को ठंडक देता है और लू के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर बाहर निकलते समय जेब में एक कटा हुआ प्याज रखने से हमें लू नहीं लगती। इसके अलावा पैरों के तलवों पर लौकी घिसने से भी शरीर की गर्मी को हम कम कर सकते हैं। कच्चा आम यानी कैरी लू लगने का एक अक्सर इलाज है। एक कैरी को पानी में उबाल कर उसे ठंडा कर दीजिए और उसके गुदा निकाल के उसी उबले हुए पानी में डाल के मिक्स कर लें। इसमें 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 कप ताज़ा फुदेनी की पत्तियां और थोड़ा सा काला मिर्च डालें और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। कैरी के इस शरबत को दिन में 2 या 3 बार पीने से लू में बहुत ही जल्दी राहत मिलती है और तबीयत ठीक हो सकती है। गर्मी में या फिर लू लगने के का पर नींबू पानी में शक्कर और नमक डालकर पीने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। यह हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में बहुत ही मदद करता है। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिखने वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।